हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तन सिंह चौहान मानवता की मिसाल थे। मेवाराम जैन तन सिंह की 98वीं जयंती पर आयोजित हुआ कैंसर जांच शिविर में 145 मरीजों के स्वास्थ्य की निःशुल्क जांच। भामाशाह तन सिंह चौहान की 98वीं जयंती पर इंद्रप्रस्थ रिसोर्ट में निःशुल्क कैंसर जांच शिविर का आयोजन गुरुवार को हुआ। शिविर में 145 मरीजों के स्वास्थ्य की निःशुल्क जांच विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा की गई। एशियन हेड एंड नेक फाउंडेशन एवं भामाशाह तन सिंह चौहान जन सेवा संस्थान बाड़मेर की संयुक्त तत्वावधान में आयोजित शिविर का शुभारंभ बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन, रावत त्रिभुवन सिंह, नगर परिषद बाड़मेर के सभापति दिलीप माली, युवा नेता आजाद सिंह राठौर द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। शिविर को संबोधित करते हुए बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन ने कहा कि तन सिंह चौहान ने अपने जीवन के 36 कौम को साथ लेकर गरीबों की सेवा की, वो मानवता की मिसाल थी। उनके जन्म दिन पर निःशुल्क कैंसर शिविर का आयोजन उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि है। जैन ने कहा कि चौहान उनके मित्र व पारिवारिक सदस्य थे, लेकिन कैंसर जैसी असाध्य बीमारी उन्हें हमसे छीन लिया। चौहान के द्वारा किए गए कार्य सदैव हमारे मार्गदर्शन करते रहेंगे, हम उनके बताए मार्ग पर चलते रहेंगे। रावत त्रिभुवन सिंह ने कहा कि तन सिंह चौहान महान व्यक्तित्व के धनी थे। उन्होंने समाज के गरीब व्यक्ति की मदद के लिए अपने दरवाजे सदैव खुले रखे और खुले हाथों से गरीबों की मदद की। आजाद सिंह राठौड़ ने कहा कि तन सिंह चौहान हम सभी के लिए प्रेरणादायी व्यक्ति के धनी रहे। उन्होंने अपनी मेहनत व कर्मठता से ऊंचाइयों को छुआ। तन सिंह के जीवन से आम आदमी से लेकर शिखर पर बैठे व्यक्ति तक सभी को समान रूप से ये प्रेरणा मिली कि मानवता की सेवा ही सच्ची सेवा है। पूर्व मंत्री अशरफ अली खिलजी ने कहा कि तन सिंह चौहान जैसा व्यक्तित्व दुर्लभ है, उनके जैसे इंसान की कमी समाज को सदैव चलती रहेगी। नगर परिषद के सभापति दीपक माली ने कहा कि जनहित में किए गए तन सिंह चौहान के कार्य हम सभी को सदैव प्रेरणा देते रहेंगे। बाड़मेर नागौर के पूर्व सरपंच गोवर्धन सिंह राठौड़ ने तन सिंह चौहान को गरीबों और मजदूरों का मसीहा बताया। रिटायर्ड कमांडेंट अचलाराम चौधरी ने कहा कि चौहान को हम कभी नहीं भुला सकते। एशियन हेड एंड नेक फाउंडेशन के डॉक्टर शक्ति सिंह ने कैंसर रोग के बारे में जानकारी दी। शिविर में UIT की पूर्व चेयरमैन डॉक्टर प्रियंका चौधरी, भाजपा जिला अध्यक्ष आदुराम मेघवाल, सिमाचल कल्याण समिति के निम्ब सिंह, एडवोकेट करनाराम चौधरी, एडवोकेट अमृतलाल जैन, हाजी इद्रेश देरा सर, पंचायत समिति बाड़मेर के प्रधान प्रतिनिधि गिरधर सिंह सोड़ा, पंचायत समिति बाड़मेर ग्रामीण के प्रधान प्रतिनिधि खरताराम चौधरी, समाज सेवी मांगीलाल वडेरा, तेजदान देव, डॉक्टर विकास चौधरी सहित कई जने शरीक हो। शिविर के अंत में समाज सेवी जोगेंद्र सिंह चौहान व राजेंद्र सिंह चौहान ने सभी का आभार जताया। शिविर का संचालन भोम सिंह बलाई ने किया। विशेषज्ञ चिकित्सकों ने दी सेवा। शिविर में अपोलो CBCC कैंसर सेंटर अहमदाबाद के सर्किल ऑकोलॉजिस्ट डॉक्टर नितिन सिंगल, HCG कैंसर सेंटर अहमदाबाद के रेडिएशन ऑकोलॉजिस्ट डॉक्टर समीर बाथ, हेड नेक कैंसर सर्जन डॉक्टर शक्ति सिंह देवड़ा, मेडिकल ऑकोलॉजिस्ट डॉक्टर राजेश शर्मा, हेड नेक कैंसर सर्जन डॉक्टर राघव शर्मा, डेंटल सर्जन डॉक्टर मुकेश फुलवरिया, इन्होंने सेवाएं दी। जागरूक टीवी के लिए बाड़मेर से ठाकुर राम मेघवाल की रिपोर्ट।